दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर हो गया। कल 26/2/2020 को दिन को 3 बजे दिल्ली पुलिस को अपना ड्यूटी याद दिलाने और अपना ड्यूटी निभाने के बोलने के बाद उनको कई घंटों के अंदर ट्रांसफर हो गया। इससे क्या समझ में आता है? इसके बाद भी प्रूफ देने पड़ेगा जी, इस राइट के पीछे कौन है? हाईकोर्ट जज को ट्रांसफर ऑर्डर कौन देते हैं? सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट? इसमें क्या सिखाया जाता है? दिल्ली पुलिस को कुछ कहने से ही हाईकोर्ट जज का ट्रांसफर हो जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंटायर मशीनरी इज कोरप्ट। सबसे इसका मतलब यही होता है कि सबसे बढ़िया माफिया गवर्नमेंट ही है, सरकारी है। कौन डराता है? क्या है आपका? किससे आप डरते हैं? किससे डरते हैं जो सरकार को फेवर में ही ऑर्डर देने पड़ेगा आपको? डरिए मत, डरिए मत। जितना डरिएगा उतना डराएगा। डरा हुआ तो वो लोग है, इसीलिए आपको डरा रहा है। दिल्ली पुलिस को भी बोलते हैं डरिए मत, जितना डरिएगा उतना डराएगा। आप किसी का हुकुम का चाकर नहीं है, आपको यदि कोई इलीगल हुकुम दे तब बोलिएगा आप रिटन में दीजिए, रिटन ऑर्डर दीजिए। आप नेताओं को चाकरी मत कीजिए, अपना ड्यूटी कीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।